Now we start from the effector cells. What are effector cells? ANS carry nerve impulses from the CNS to the effector organ by means of efferent neurons. That is, effector cells आपके पास कहाँ मौजूद हैं? Efferent effector organ में मौजूद हैं. कहाँ मौजूद हैं? Effector organ में मौजूद हैं. Effector organs तक के आपके पास जो है effector organ में क्या मौजूद है? Effector cells मौजूद हैं और उस तक के information CNS से effector cell या effector organ तक information किसके थ्रू आ रही है? By means of efferent neurons. तो efferent neurons आपके पास जो है वो लेकर आ रहे हैं CNS से information to the effector cells. अब आपके पास जो neurons effector cells तक information लेके आ रहे हैं वो आपके पास कौन से हैं? Efferent neurons. ओके, सोमैटोमोटर आपके पास इफेक्टर सेल्स कहाँ होते हैं? इफेक्टर सेल्स वो हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं. इफेक्टर सेल्स क्या हैं? बेसिकली वो जो कि अफेक्ट हो रहे हैं. सोमैटोमोटर नर्व्स के अंदर जो इफेक्टर सेल्स हैं वो बेसिकली स्केलेटल मसल सेल्स हैं. मींस जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है आपके पास CNS से वापस इंफॉर्मेशन, जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है वो क्या रिसीव कर रहा है? CNS से लेके जो आपके ऑर्गन है इसका सोमैटोमोटर नर्व के अंदर जो ऑर्गन इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो स्केलेटल मसल सेल्स हैं. मेन जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर हैं, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपके इफेक्टर सेल्स हैं वो कौन से हैं? इफेक्टर सेल्स कौन से हैं? स्मूथ मसल्स हैं जो कि इन्वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होते हैं. कार्डियक मसल्स हैं, ये भी आपके इन्वॉलेंट्री कंट्रोल में हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये भी आपके क्या है? इन्वॉलेंट्री कंट्रोल में. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके पास क्या है? इन्वॉलेंट्री कंट्रोल को डील कर रहा है. बेसिकली इसको डील कर रहा है, इन्वॉलेंट्री कंट्रोल्स को डील कर रहा है. तो आपके पास हमने पहले कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास किस में डिवाइडेड होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास जो है वो इफ्रेंट एंड एफ्रेंट में डिवाइडेड होता है. किस में डिवाइडेड होता है? इफ्रेंट एंड एफ्रेंट नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है. एफ्रेंट नर्वस सिस्टम आपके पास क्या लेके जा रहा है? सेंसरी इनपुट लेके जा रहा है, यानी मींस ऑर्गन से सेंसरी इनपुट लेके जा रहा है ब्रेन तक. अब ब्रेन जो मॉडिफाई करके आउटपुट दे रहा है वो किसके थ्रू दे रहा है? वो आपके पास इफ्रेंट नर्वस सिस्टम के थ्रू आउटपुट दिया जा रहा है. अब आपके पास जो ऑर्गन है वो टू टाइप्स के हैं. इसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है आपके पास जो कि आपके किसके अंदर कंट्रोल में आते हैं, जो बेसिकली आपके पास किसके कंट्रोल में आ रहे हैं? इफ्रेंट नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास जो है टू टाइप्स से कंट्रोल है. एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक आपके पास क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके पास जो है बेसिकली जो है उसके अंदर थ्री मेन सिस्टम आते हैं जो कि क्या है? आपके इंटेरिक, पैरासिम्पेथेटिक एंड सिम्पेथेटिक. हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है? बेसिकली इफ्रेंट नर्व फाइबर जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं वो बेसिकली वॉलंटरी एक्शन से कंट्रोल करते हैं. तो हम बेसिकली अब डिफरेंस देख लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में. इफेक्टर सेल्स जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स हैं, और ऑटोनॉमिक के कौन से? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. नेचर ऑफ नर्व फाइबर मीन्स जो आपका नेचर ऑफ नर्व फाइबर मीन जो ब्रेन से लेके आपके जो है इफेक्टर सेल्स तक पहुँच रहे हैं उसकी जो नर्व फाइबर है वो किस नेचर का है? वो माइलिनेटेड सिंगल न्यूरॉन है. अगर आपकी वॉलंटरी एक्शन तक के जो फाइबर आ रहा है वो फुल माइलिनेटेड सिंगल न्यूरॉन है. आपको पता है कि माइलिनेटेड शीट्स क्या होती हैं? जो कि माइलिनेटेड शीट्स वो होती हैं, माइलिनेशन आपके पास जो है वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को इन्हांस करती है. तो जो आपके पास सिंगल फाइबर माइलिनेटेड होगा वो बेसिकली आपके पास इन फ्यू सेकेंड्स कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो जो आपके सोमैटोमोटर नर्व्स हैं जो आपके जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्शन है वो क्या है? क्विक आपके एक्शंस के कंट्रोल की वजह से फुली माइलिनेटेड होती हैं और सिंगल न्यूरोनल होती हैं. तो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंगल न्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड है. ब्रेन से जो है बॉडी तक जो आ रहा है अफेक्टर तक, अफेक्टर सेल तक आ रहा है, उसका जो नर्व फाइबर है वो फुली माइलिनेटेड और सिंगल न्यूरॉन है. जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आपके पास जो फाइबर है वो फर्दर टू में डिवाइडेड होता है. जो आपका नर्व फाइबर है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक पहुँच रहा है CNS से, जो ऑटोनॉमिक CNS से लेके जो इफेक्टर सेल्स तक पहुंच रहा है फाइबर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो आपके पास टू में डिवाइडेड होता है. प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में डिवाइडेड हो रहा है एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है आपके पास वो क्या है? माइलिनेटेड होता है. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आपके पास क्या है? माइलिनेटेड होता है. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आपके पास नॉन माइलिनेटेड होता है. इज इट क्लियर? अफेक्ट ऑफ नर्व डैमेज, अफेक्ट ऑफ नर्व डैमेज ऑन द इफेक्टर सेल्स. अगर आपके पास नर्व डैमेज हो जाए इफेक्टर सेल्स पे क्या रिस्पॉन्स आएगा? सोमैटोमोटर जो आपके पास सिस्टम है अगर उसका नर्व फाइबर डैमेज हो जाए, तो आपके पास सिंगल नर्व फाइबर है फुली डैमेज हो गया तो क्या होगा? आपके पास वहाँ पे उस मसल की एट्रॉफी कॉज हो जाती है. जबकि आपके पास इफेक्टर
सेल्स में डू आपके पास जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इफेक्टर सेल्स अंडर एट्रॉफी में नहीं जाते, डू नॉट अंडरगो द एट्रॉफी मैकेनिज्म एंड मेंटेन इट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली. डेट इज़ आपके पास बेसिकली एट्रॉफी में नहीं जाते इफेक्टर सेल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, अगर उनकी जो है वो नर्व डैमेज कॉज हो जाए, बल्कि उनका इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं. अच्छा जी, केमिकल ट्रांसमीटर्स आपके पास हेमाटोमोटर नर्वस सिस्टम के कौन से हैं? सिंगल ट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, क्योंकि सिंगल नर्व टर्मिनल से कनेक्टेड है और सिंगल ट्रांसमीटर रिलीज करता है, डेट इज एसिटाइल कोलिन. जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास जो ट्रांसमीटर्स हैं वो एसिटाइल कोलिन भी है, नॉरएपिनेफ्रिन भी है. डिपेंड करता है किस साइट पर आपका सिस्टम, यानी कि कौन सा सिस्टम कंट्रोलर है. ओके, ये था बेसिकली आपके पास डिफरेंसेस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो है बेसिकली क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हमारा मेन चैप्टर क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नाउ हम अब जो है हमने बेसिकली पहले जो है डील किया कि बेसिकली हमारे पास जो नर्वस सिस्टम किस में डिवाइड होता है, हमने वो चेक कर लिया. पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है, फिर हमने जो है हमने डील किया किस चीज़ से डील किया, बेसिकली हमारे पास हमने देखा कि सोमैटो मोटर नर्वस सिस्टम क्या है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है. सही, अब हमने देख लिया कि अब हम बेसिकली पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नाउ हमने पढ़ा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं जो कि माइलिनेटेड होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली नॉन माइलिनेटेड होते हैं. तो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इन दोनों प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को जो बॉडी कनेक्ट करती है, जो कि न्यूरोनल सेल बॉडीज कनेक्ट करती हैं, वो क्या है, गैंग्लियन. गैंग्लियन आपके पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं. आपके प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, वो बनाते हैं. वहाँ पे आपके पास बेसिकली कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज एक जगह पर जहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं वो गैंग्लिया कहलाते हैं. और आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया कहाँ मौजूद हैं, जहाँ पे प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, अब न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास क्या है, एंड दीज आर द एंडोजीनियस केमिकल्स, एंड वर्ड द वर्ड एंडोजीनियस इंडिकेट इट इज रिलीज फ्रॉम द इनसाइड द सेल्स और इट रिलीज फ्रॉम द सेल्स. एंडोजीनियस केमिकल रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट विद द टारगेट सेल बेसिकली ऑफ द मसल्स ऑर्गेन और न्यूरॉन अक्रॉस द साइनसिस. बेसिकली आपके पास क्या है, एंडोजीनियस केमिकल जो कि न्यूरॉन रिलीज करता है, किस लिए रिलीज करता है, ताकि कम्युनिकेट कर सके टारगेट सेल्स, जो कि आपके पास क्या है, मसल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकता है, और आपके पास जो है अगर जैसे पोस्ट सिनेप्टिक कंडीशन के अंदर क्या है, न्यूरॉन अक्रॉस साइनस अगर आपके पास कनेक्ट हो रहा है, तो आप अभी आप इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि दूसरे आपके पास दूसरे प्री गैंग्लियोनिक जब पोस्ट गैंग्लियोनिक से कनेक्ट होता है तो वो आपके पास क्या है, न्यूरॉन अक्रॉस साइनसिस. मीन्स कि एक से न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कनेक्ट करने के लिए भी हम क्या जो आपके पास न्यूरॉन्स क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं. ओके, नाउ द एफरेंट नर्वस सिस्टम. व्हाट इज एफरेंट नर्वस सिस्टम? नाउ व्हाट इज एफरेंट नर्वस सिस्टम? एफरेंट नर्वस सिस्टम आपके पास बेसिकली क्या है, एफरेंट नर्वस सिस्टम क्या है बेसिकली आपके पास, जो कि हमारे पास लेकर आ रहा है, मैसेज लेके आ रहा है सीएनएस से इफेक्टर सेल्स तक. मीन्स वापस सीएनएस से मैसेज लेके जाएगा और इफेक्टर सेल्स तक लेके जाएगा, जहाँ पे आपके पास मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड है. आपके पास इसमें आप देखें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. हमने कहा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो एफरेंट फाइबर होता है वो कैसा होता है, वो आपके पास सिंगल न्यूरोनल होता है. देखें ये क्या है, सिंगल न्यूरोनल कनेक्शन है जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसकी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, और ये आपके पास फुली माइलिनेटेड शीट है. ये जो आपके पास ब्लू ब्लॉक बॉक्सेस बने हुए हैं, ये क्या है, माइलिनेशन को शो कर रहे हैं, जैसे फुली माइलिनेटेड शीट्स हैं, और जाके ये आपके पास जो है स्केलेटल मसल से कनेक्ट हुआ और इसने यहाँ पे अपना न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज किया. ओके, तो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एसिटाइल कोलिन. न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन, जो कि आपके पास सेल बॉडी कहाँ से है, सीएनएस में मौजूद है, और उसकी जो टर्मिनेशन हो रही है, एक्सोनल टर्मिनेशन जो है वो बेसिकली कहाँ हो रही है, वो स्केलेटल मसल में हो रही है, जो कि कहाँ पे जो रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एफरेंट डिवीजन में जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास टू मेन सिस्टम कंट्रोल्स हैं.
आपके पास सिंपैथेटिक डिवीजन है एंड सेकेंड वन इज पैरासिंपैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन आपके पास क्या है, सिंपैथेटिक डिवीजन आपके जो है फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन को बताती है कि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में आपके पास जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जबकि पैरासिंपैथेटिक सिस्टम आपके पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहलाता है, मीन के रेस्ट और डाइजेस्ट के सिस्टम में एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम आपके पास फर्दर टू टाइप्स की आपके पास जो है कनेक्शन शो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है जो कि CNS में जो सेल बॉडीज़ की CNS प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की सेल बॉडी CNS में होती है, देन उसका जो नर्व फाइबर है, उसके बाद नर्व फाइबर आपके पास जो एक्जोनल टर्मिनेशन है वो कहाँ हो रही है आपके पास दूसरे न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी के ऊपर, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं इनको हम कहते हैं गैंग्लिया। जहाँ पे आपके प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आके मिलते हैं साइनेप्स होता है, ये क्या कहलाता है साइनेप्स हो रहा है, मींस कि आपके पास यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और फर्दर आगे ट्रांसमिशन लेके जाएगा, तो ये आपके पास क्या कहला रहा है गैंग्लिया। गैंग्लिया दीज आर कॉल्ड गैंग्लिया जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप देखें कि प्री साइनेप्टिक आपके पास जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो क्या है, बेसिकली आपके पास क्या है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन माइलिनेटेड है और ये आपके पास क्या है शॉर्ट बॉडी है, माइलिनेटेड है एंड शॉर्ट बॉडी। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज माइलिनेटेड एंड शॉर्ट बॉडी, वेयर एज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज आपके पास इज नॉन माइलिनेटेड एंड लॉन्ग बॉडी, इज नॉन माइलिनेटेड एंड लॉन्ग बॉडी। इस कंडीशन में आपके पास जो नॉर फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो है एसिटाइल कोलिन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है एसिटाइल कोलिन, वेयर एज द फ्रॉम न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज नॉर एपिनेफ्रीन। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली जो है अब जो टारगेट साइट होगी वो क्या होगी स्मूथ मसल, कौन से स्मूथ मसल होंगे लाइक ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल होंगे। अच्छा दूसरी सिंपैथेटिक डिवीजन आपके पास क्या है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द CNS और कहाँ जाएगा डायरेक्टली एड्रेनल मेडुला, किडनी में आपके पास एड्रेनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है, उसके अंदर एड्रेनल मेडुला के अंदर आपने एनाटॉमी में आपने पढ़ा है एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला के अंदर जहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो जाएगा एड्रेनल मेडुला में और आपके पास जो है वो आप बेसिकली एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करेगा। यहाँ से जो एड्रेनल मेडुला से आपके पास क्या रिलीज़ होगा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनल मेडुला कहाँ ब्लड में रिलीज़ करेगा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, एंड दिस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन वर्क डिफ्यूजिवली, मींस कि आपके पास जो चीज़ ब्लड में चलेगी तो मींस जहाँ जहाँ रिसेप्टर हैं आपके जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मौजूद हैं वहाँ वहाँ पर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन वर्क करेगा। ओके मींस कि डिफ्यूजिवली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ टारगेटेड ऑर्गन पे अफेक्ट दे रहा है जबकि जो चीज़ ब्लड में चली गई वो कहाँ जाके डिफ्यूजिवली वर्क करेगी, क्या करेगी डिफ्यूजिवली वर्क करेगी, इसमें आपके मेन टारगेट्स होते हैं ग्लैंड्स। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सेकेंड मेन पार्ट इज पैरासिंपैथेटिक डिवीजन। पैरासिंपैथेटिक डिवीजन में आपके पास जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो आपके पास क्या है लॉन्ग है एंड माइलिनेटेड है, दिस इज़ द लॉन्ग फाइबर एंड दिस फाइबर इज माइलिनेटेड, दैट इज माइलिनेटेड फाइबर, दिस फाइबर इज माइलिनेटेड एंड द सेकेंड फाइबर दिस इज प्री आपके पास जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है आफ्टर गैंग्लिया से जो दूसरा न्यूरॉन ओरिजिनेट हो रहा है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो शॉर्ट है, दिस इज शॉर्ट एंड नॉन माइलिनेटेड, दिस इज शॉर्ट एंड नॉन माइलिनेटेड। अच्छा पैरासिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीज करते हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, दोनों आपके पास पैरासिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक जो टर्मिनेशन होती हैं वो बाय मीन्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एसिटाइलकोलिन होती हैं और बेसिकली आपके पास जो है इसमें कार्डियक मसल्स आते हैं। ओके यहाँ पे आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तमाम सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं, सेंट्रल प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन आपके पास जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट करता है और ये आपके पास इफेक्टर ऑर्गन्स मौजूद हैं यहाँ पे। ओके और आपको पता है कि बेसिकली एफरेंट डिवीजन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एफरेंट डिवीजन में कौन कौन से दो होते हैं सिमेटिक एंड ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक में आपके पास क्या है सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिंपैथेटिक डिवीजन। नाउ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम,
सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पास क्या कंट्रोल कर रहा है, ये आपके पास बेसिकली वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी करता है, जिसमें आपके पास मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो इसके आपके पास क्या है कि आपके पास बेसिकली वॉलंटरी एक्शन किसके अंदर आते हैं, बेसिकली आपके पास वॉलंटरी एक्शन स्केलेटल मसल्स के अंदर आते हैं। तो आपके पास जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है बाय मीन ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर आपके पास जो एफ्रंट और सेंसरी नर्व हैं और ईफ्रंट और मोटर नर्व हैं। एफ्रंट आपके पास क्या है, हमेशा एफ्रंट जो है वो सेंसरी नर्व, हम सेंसरी इनपुट कहते हैं। एफ्रंट मींस जो आपके पास इंफॉर्मेशन को लेके सीएनएस तक जा रहा है, और ईफ्रंट क्या है, जो आपकी एक्टिविटी को आपके सीएनएस से लेके वापस आपके एफेक्टर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, वो आपके पास क्या मोटर, जिसके थ्रू एक्शन परफॉर्म हो। ईफ्रंट क्या है, ईफ्रंट क्या है, जो सी एन एस से ओरिजिनेट होके आपके एफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाता है, जो कि एफेक्ट एक्शन को प्रमोट करता है, डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मोटर नर्व, डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मोटर नर्व। आपके पास अफेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि आपके सेंसरी इनपुट लेके जाते हैं, मीन्स कि आपको क्या नीड है, वो आपके पास नीड को लेके जाते हैं, सेंसरी इनपुट को लेके जाते हैं सी एन एस से, और सी एन एस से आपके वापस कौन लेके आता है, इफेक्टर न्यूरॉन्स लेके आते हैं। ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, मोटर नर्व की फॉर्म होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सोमैटिक नर्व सिस्टम जो है वो आपके पास जो है ब्रेन के अंदर प्री सेंट्रल गायरस के थ्रू कंट्रोल होता है। प्री सेंट्रल गायरस से आपको इन्फॉर्मेशन जाती है कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक के थ्रू, कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक से होते हुए जाती है एग्जॉन से अपर मोटर न्यूरॉन, जो कि आपके पास क्या रिलीज करते हैं, एग्जॉन में जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन। बेसिकली मैंने आपसे पहले बताया कि हमारे जो आपके जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली किस पे रन कर रहा है, सिंगल न्यूरोनल फाइबर है और एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। ओके, एसिटाइल कोलिन इसका जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। तो यहीं पे वही वाली बात कही जा रही है कि ब्रेन में प्री सेंट्रल गायरस से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक से होते हुए एग्जॉन और एग्जॉन जो रिलीज, एग्जॉन जो आपके पास ओरिजिनेट होंगे, मोटर एग्जॉन जो एरिजिनेट होंगे वो क्या रिलीज करेंगे, मोटर एग्जॉन्स क्या रिलीज करेंगे, एसिटाइल कोलिन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो प्री गैंग्रोनिक फाइबर्स हैं वो क्या हैं, बेसिकली वो प्री गैंग्रोनिक फाइबर्स आपके पास कहाँ से रिसीव होते हैं, वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, प्री गैंग्रोनिक रिसेप्टर्स। और यहाँ पे पोस्ट गैंग्रोनिक नर्व्स जो हैं वो बेसिकली कंट्रोल करती हैं स्केलेटल मसल्स को, रिलीज करती हैं एसिटाइल कोलिन। अब हमारे पास मेन सिस्टम, हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम डील नहीं कर रहे, हमारा मेन चैप्टर वो है एएनएस, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे पास अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस आता है। बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कौन रेगुलेट कर रहा है, दैट इज हाइपोथैलेमस, जो कि जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम मौजूद है। आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस इज जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम, एक्ट एज एन इंटीग्रेटर फॉर ऑटोनॉमिक फंक्शन, रिसीविंग द ANS रेगुलेटरी इनपुट फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम। आपके पास जो है, अब हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ मौजूद है, अबव द ब्रेन स्टेम मौजूद है, जो कि बेसिकली इंटीग्रेटर के तौर पे एक्ट करते हैं ऑटोनॉमिक के तमाम फंक्शंस को, ये जो है वो इंटीग्रेटर के तौर पे अफेक्ट करते हैं, और लिम्बिक सिस्टम से इसके जो है वो रेगुलेटरी इनपुट को रिसीव करते हैं। इंटीग्रेटर है किसका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंटीग्रेटर है, और इसमें आपके पास जो ब्रेन के अपने लिम्बिक सिस्टम से भी इनके पास जो रेगुलेटरी इनपुट आते हैं टू मॉडिफाई द ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक फंक्शन इम्पल्सिस। ओके, ऑटोनॉमिक इम्पल्सिस बेसिकली आपके पास कहाँ अराइज इन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड हाइपोथैलेमस। तो ऑटोनॉमिक इम्पल्सिस कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में एंटर होंगे, ब्रेन स्टेम में एंटर होंगे, एंड देन हाइपोथैलेमस में एंटर होते हैं। आपके पास जो हायर कंट्रोल्स है वो लिम्बिक, मैंने पहले बताया कि आपके पास लिम्बिक रीजन कहाँ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रीजन है, जो आपके पास जहाँ से फर्दर आपके जो है वो रेगुलेटरी इनपुट्स हमारे मिलते हैं, और फिर फर्दर वो आपके पास जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर इंटीग्रेट होते हैं। अच्छा जी, ऑटोनॉमिक फंक्शन में क्या क्या आ गया आपके पास, ऑटोनॉमिक फंक्शन बेसिकली किन कौन कौन से फंक्शंस को इंक्लूड करता है, बेसिकली रिस्पायरेशन, इनवॉलंटरी अफेक्ट, ओके,
कार्डियक रेगुलेशन इनवॉलेंट्री अफेक्ट, ओके, वेजो मोटर एक्टिविटी आपका वेजो मोटर सेंटर के थ्रू कंट्रोल होती है ब्रेन के अंदर, एंड आपके पास जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जैसे कफिंग, स्नीजिंग, स्वॉलोइंग एंड वॉमिटिंग को आपके कौन से सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ANS। अब आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन से और भी फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, इंटरनल विसरास, ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी, जो भी इंटरनल विसरास मौजूद हैं, किडनी, लंग, लिवर, आपके जो भी हैं वो क्या है, इंटरनल विसरास हैं, ओके, ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं वो, आपके इफेक्टर्स इन द स्किन, स्किन के अंदर जो इफेक्टर सेल्स हैं वो कंट्रोल, जो ग्लैंड वगैरह मौजूद हैं वो, और आपके इनफेक्ट ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट जो कि वॉलेंट्री के अलावा मौजूद हैं मसल्स, वो आपके किसके अंदर, अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आते हैं, ओके। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके पास जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया बनाता है, हमने लास्ट टाइम डायग्राम में भी देखा, इस वाली डायग्राम में भी देखा कि हमारे पास गैंग्लिया की फॉर्मेशन कभी भी सोमेटिक नर्वस सिस्टम में नहीं हो रही, हमारे पास गैंग्लिया की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ हो रही है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हो रही है, और गैंग्लिया आपके पास बेसिकली नेटवर्क ऑफ नर्व्स की कनेक्शन है, बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है, तो गैंग्लिया बनाते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया दैट कंट्रोल इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड मेंटेन इंटरनल होम्योस्टेसिस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, मीन कि आपके इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल एक्शन जितने भी हैं वो एनएसए के अंडर कंट्रोल है, और तमाम इंटरनल होम्योस्टेसिस जो भी आपके पास कंट्रोल हो रहा है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ रहा है। जो भी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के, जो भी स्ट्रेस हम ले रहे हैं उसके रिस्पॉन्स जो भी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और इंटरनल लेवल के ऊपर, वो तमाम अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ANS इनर्वेट स्ट्रक्चर, जैसे आपको हमें पता है कौन कौन से जो इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल विसरास कौन से होंगे, कार्डियोवेस्कुलर, पल्मोनरी, लंग्स डेट इज लंग्स, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशन वगैरह, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक एंड CNS एंड इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म एंड थर्मल रेगुलेशन, जितने भी आपकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, थर्मल रेगुलेशन है, वो भी आपके अंडर द कंट्रोल ऑफ कहाँ आ रही है, ANS में। अब ANS आपके पास फर्दर किस में, टू डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है। जब भी आपके ब्रेन स्टिम्युलेटेड अफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक आर वाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने फर्दर ऊपर डायग्राम में देखा था कि हमारे पास जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट होता है तो आपका अफेक्ट जो है, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट होगा तो अफेक्ट वाइड स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी होगा। क्यों? क्योंकि हमने डायग्राम में देखा कि इसका जो आपके पास जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अफेक्ट क्यों वाइड स्प्रेड आ रहा है, क्योंकि जो प्री गैंग्लोनिक न्यूरॉन ने आपके जो एड्रेनल मेडुला को इनर्वेट किया है, उसमें आपके पास एड्रेनल मेडुला ने कहाँ एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को ब्लड में रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से स्प्रेड आपके पास जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्लड में रिलीज होने की वजह से इसका जो अफेक्ट है वो क्या हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया। क्या हो गया? आपके पास वाइड स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी हो गया। इन कंट्रास्ट पेरिफेरल आपके पास जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन है वो जस्ट लोकलाइज और डिस्क्रीट अफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मीन्स उसका अफेक्ट जो है वो क्या है, लोकलाइज है, एक ही जगह पे जहाँ पे इनर्वेट हो रही है नर्व वहाँ पे अफेक्ट प्रोड्यूस होगा और डिस्क्रीट अफेक्ट होगा, डिफ्यूजिव अफेक्ट नहीं होगा, डिस्क्रीट अफेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर्स, आपके पास सिंपैथेटिक सिस्टम है प्रिपेयर करता है बॉडी को, इंडिविजुअल बॉडी को प्रिपेयर करता है कैसे, बेसिकली अर्गोट्रॉपिक सिस्टम भी इसको क्यों कहते हैं, कि जो भी हमारे फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्सेज जो कि आपके क्या है फॉर इंस्टेंस चाहिए वो तमाम इसमें प्रिपेयर हो जाते हैं, इसलिए दैट इज वाइट इज कॉल एज अर्गोट्रॉपिक। दिस सिस्टम आपका जो प्रीडोमिनेट करता है डे एंड वेकफुलनेस, जिसमें आप दिन के अंदर घर से बात है फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन को ओरिजिनेट इनिशिएट करना है तो कहाँ, डे में, और वेकफुलनेस की फुल रिक्वायरमेंट है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है और रीस्टोर करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, जो कि यानी कि काउंटर बैलेंस करता है सिंपैथेटिक सिस्टम को, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंडोफाइलेक्टिक सिस्टम। एंडोफाइलेक्टिक सिस्टम मींस कि सिंपैथेटिक सिस्टम के काउंटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये बेसिकली एक्टिवेट होता है नाइट एंड ड्यूरिंग स्लीप।